तो गाइस आज हम जानेंगे कि अगर आपके व्हाट्सएप पे ना कोई भी कॉल करता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी कॉल करता है तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखती है। तो अगर आपको कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स, आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐप्स मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको इस सेटिंग में आने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट आप किस तरह से आ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करके रखना, आई बटन पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली इस सेटिंग में आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी नोटिफिकेशन को जो है इनेबल कर देना है। अगर आपकी हाई नोटिफिकेशन डिटेल ये अगर ऑन है तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है। और आपको क्या करना है, सभी नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर देना है। यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आपको दिख रही हैं उन्हें आपको ऑन कर देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको जाना है व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। और आपको सभी नोटिफिकेशन को जो है इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है और रीसेट कर देना है। ये करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है और आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए आपको अपनी मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो अभी मैं आपको लाइव करके नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मेरी वीडियो कट जाएगी। तो आपको ये रीस्टार्ट कर देना है, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।